सरकार ने विकलांग पेंशन योजना बनाई है ताकि विकलांग जनों का भरण पोषण हो सके, परंतु बहुत अफसोस की बात है कि सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज ब्लॉक के ग्राम बायताल के निवासी सलमा खातून सहित 6 लोगों का विकलांग पेंशन न बनने से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलने में क्या दिक्कत होती है? चल नहीं पाती हैं? तो क्या आपका विकलांग पेंशन बना है? नहीं बना। तो आपने कोई प्रयास नहीं किया था कि आपका पेंशन बने? मेरा बाबा दौरे क्या नहीं सुना कुछ। पेंशन ना बनने से आपको क्या क्या परेशानी होती है? बहुत परेशानी है। जैसे क्या क्या? ना पैसा रहता ना रुपया रहता, कुछ नहीं मिलता। पढ़ाई कितना की है? 8 तक। तो उससे आगे क्यों नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी, उससे ज्यादा पैसा नहीं था। तो कुछ सिलाई कढ़ाई भी करती हैं कि नहीं? कुछ नहीं, पैसा नहीं, वजह से नहीं करी था। आपके शरीर में क्या समस्या, क्या दिक्कत है? पोलियो है, चल फिर नहीं पाए। तो किस शरीर के किस अंग में है? ये है आधा लंग से, ऊपर सही है आधा। तो क्या आपका विकलांग पेंशन बना है? नहीं बना। विकलांग पेंशन ना बनने से क्या क्या आपको परेशानी हो रही है? खाए पिए के परेशानी हो रहा है साहब, कुछ नहीं मिला था। आपके शरीर में क्या समस्या है? हमारे शरीर में ये पैर विकलांग है। क्या आपका विकलांग पेंशन बना है? नहीं। विकलांग पेंशन बनवाने के लिए आपने क्या प्रयास किया? बहुत प्रयास किया, प्रधान से कहा, वीडियो से कहा, लेकिन कोई नहीं सुनवाई। तो फिर आपका खर्च कैसे चलता है? हमारा खर्च माँ बाप से इधर उधर मांगते हैं। पेंशन ना बनने से क्या क्या परेशानी हो रही है? बहुत सी परेशानी है ना, औरत का खर्चा चला पाते हैं, अगर बन जाएगा तो कहीं पाना दुकान उकान खोल के बैठ जाएंगे। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि सभी लोगों का विकलांग पेंशन बने ताकि इनकी समस्या दूर हो सके। आप सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों से हमारा अपील है कि आप लोग सिद्धार्थनगर जनपद के समाज कल्याण अधिकारी, जिनका मोबाइल नंबर है 8765774462 पर कॉल कर दबाव बनाकर हमारी मदद करें। मैं ब्रह्मजीत, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।